अगर तड़प न हो तो आशिकी आशिकी नहीं। एक आशिक के दो रूप है, एक तो संसारिक आशिक होता है, एक ऊपर वाले का आशिक होता है, उसे हम शहनशाह भी कहते हैं, फकीर भी कहते हैं। और एक आशिक होता है संसारिक, जिसे पागल भी कहा जा सकता है और भिखारी भी कहा जा सकता है। थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान देंगे। दिल में अगर तड़प ना हो तो आशिकी आशिकी नहीं, और दर्द से जो हो बेखबर आदमी आदमी नहीं। नब्बे जवाब दे चुकी, नब्बे जवाब दे चुकी, सात का कुछ पता नहीं। आज का दिन तो कट गया, कल की मुझे खबर नहीं। तेरी कृपा दे ऐ बेनियाज, कौन सी शै मिली नहीं। अरे झोलेगी मेरी तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। और हे गुरुदेव, आपके बिना ये जिंदगी जैसे कोई सजा काट रहा हो। कैसे? दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं मैं, दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं मैं, कितना हसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं। यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं। तड़पता है एक जमाने से, आ भी जाओ किसी बहाने से, कि मेरी जिंदगी सवर जाए, मेरी जिंदगी सवर जाए। अगर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखे तिन वैसे। उठाए हाथ श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, सभी मिलकर जय घोष लगाए। दोनों हाथ बोलो, ईश्वर आनंद जी महाराज की जय हो। मेरी जिंदगी सवर जाए, मेरी जिंदगी सवर जाए, मेरी जिंदगी सवर जाए। अगर
पे तड़प देखिए, प्यार देखिए, श्रद्धा देखिए, भरोसा देखिए, विश्वास देखिए। मेरी जिंदगी तुम्हारे जाए अगर तुम मिलने आ जाओ तमन्ना चरण छूकर बने मोती, चरण छूकर बने मोती अगर तुम मिलने आ हे गुरुवर, हे दयालु, हे कृपालु, हे दया निदान, इस संसार में कर्म करते करते इस लोभ लालच में इतना तृप्त हो गया हूं कि मेरा अस्तित्व ही बदल गया, मेरा रूप बदल गया। बोले कर्म गया पत्थर नहीं है रूप मेरा कोई, कर्म से सलीके से सबर जाऊं, सलीके से सबर जाऊं। कौन कौन गुरुदेव से मिलना चाहता है, एक बार सभी मिलकर बोल दो। सलीके से सबर जाऊं अगर, थोड़ा भाव से, सलीके से सबर जाऊं अगर तुम मिलने आ। थोड़ा सा गहराई से समझेंगे तो इन शब्दों में आपको अपना जीवन नजर आएगा। बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। हालांकि सभी आप लोग गुणी लोग बैठे हैं, भक्त लोग बैठे हैं, सभी भक्ति का मर्म जानते हैं। शिष्य क्या कह रहा है कि तेरी तलाश में न जाने कहां कहां भटक रहा हूं। कभी कोई कहता है कि मूर्ति में है, कोई कहता है कि निर्गुण है, कोई कहता है भीतर है, कोई कहता है बाहर है।
लेकिन तू क्या है, कैसा है, कभी आके सामने नजर तो आ ताकि मेरी तृष्णा समाप्त हो जाए। उसका सच क्या है, तेरा सच क्या है, ये भी तो बता। बोले रहता हूं, फटफट रहता हूं दर दर तेरे दीदार के खातिर, तेरे दीदार के खातिर। तेरे दर्शन की कीमत क्या है ये बता दे। जो दीवाने हैं उनका क्या कहना, आशिक है जो क्या कहते, तेरे दर्शन की कीमत क्या है ये बता दे। कभी कहता है दिल भी ले ले, जान भी ले ले, सर भी ले ले, दिल भी ले ले, सांस भी ले ले, सर भी है पेशे नजर, दिल भी ले ले, जान भी ले ले, सर भी है पेशे नजर, इसके आगे तू बता दे क्या है नजराना तेरा, इसके आगे तू बता दे क्या है नजराना। और देर में देर बोलते हैं शहर को, देर में ढूंढा न पाया और काबे में मिला, अरे ठोकरे खिलवा रहा है यार याराना तेरा। अगर तू सामने आ जाए तो तसल्ली हो जाए कि हाँ तू ऐसा है, ये झगड़े खत्म। ये झगड़ा ही खत्म हो जाए, इधर का उधर का सब एक हो जाएगा। हाँ ये है, भटकता रहता हूं दर दर तेरे दीदार के साथ, लेकिन अगर तू आ जाए भटकना छूट ही जाए, भटकना छूट ही जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ मेरी जिंदगी सवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ भटकना हम सभी के जीवन से छूटी हुई। एक इंसान जिंदगी को जीते जीते समाज परिवार और स्वयं से लड़ते लड़ते थक जाता है। कब ही वो आईने में देखता है और देखता है कि मैं कहां आ गया, कहां से शुरू किया था, आज मैं कहां खड़ा हूं। कभी परिवार के लिए, कभी बच्चों के लिए, तो कभी समाज के लिए, तो कभी किसी के लिए, लड़ते लड़ते उस जगह पर आ जाता है कि थक जाता है। और एक दिन किसी का सहारा चाहता है,
संसार का सहारा समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन गुरु की शरण जिसने दी उसका सहारा हमेशा तैयार रहता है। बोले जगत ने छीना झपटा है मुझे बांट डाला है, जगत ने छीना झपटा है मुझे बांट डाला है, मुझे बांट डाला है, सिमट कर एक हो जाऊं, सिमट कर एक हो जाऊं, अगर मिल गया सिमट कर एक हो जाऊं, सिमट कर एक हो जाऊं, अगर मिल गया तेरी जिंदगी संवर जाए, तेरी जिंदगी साहब दिलीप जी का भैया के लिए।